नमस्कार, आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज मैं एक ऐसी कहानी से आपका तारुफ कराऊंगा जिस पर शायद आपको कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ हफ्ते या कई साल तक विश्वास ना हो सकेगा, क्योंकि गरीब लाचार है, बेबस है, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, न्याय के लिए दर दर भटकता है। ऐसी कहानियां आपने कई बार सुनी होंगी और ऐसी कहानियों से आप दो चार भी हो चुके होंगे, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक वकील जिसने कई लोगों को, तमाम जिंदगियों को न्याय दिलाया हो, आज वो खुद न्याय के लिए घड़ी की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। मैं आज बात कर रहा हूं देहरादून के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओपी सकलानी जी की, कि जिनकी पत्नी का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया और जो मुख्य किरदार है वो आज भी बेपर्दा नहीं हो सका है, उस पर आज भी पर्दा डाला जा रहा है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि दरअसल हमारे कानून में क्या खामियां हैं और हमारा कानून कहां आकर कमजोर हो जाता है। वो मंजर जो हमें दहला दिया करते थे, अब हमारी नजरों से गुजरते हैं तो कोई एहसास जन्म नहीं लेता। अखबार की वो सुर्खी जो जिगर के आर पार हो जाती थी, अब जरा भी बेकरार नहीं करती। वो वाक्या जो किसी की जबान से सुनकर भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती थी, अब अपनी आंखों के सामने भी हो तो आसमान नहीं टूटता। वो हादसा जो किसी गैर के साथ भी होता तो आंखें छलक जाया करती थीं, अब वो हादसा अपने प्यारों पर भी गुजरे तो आंखें नहीं भीगती। ऐसे ही न्यायपालिका के गुलदस्ते में लगे दागों को बेनकाब करती तस्वीरें रोज आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर जाती होंगी। और आज भी प्रोग्राम आवाज में ऐसा ही वाक्या आपके सामने आ रहा है, जो किसी नेता या मंत्री के यहाँ होकर आता तो हर मंजर हाहाकार मच जाता। लेकिन आज वो इस बेबस लाचार कौम के लिए एक मामूली बात है। जी हाँ, उत्तराखंड के जाने माने वकील का न्याय के लिए भटकना। लेकिन इस बात को सुनकर अब हम गूगल की ओर भी रुख नहीं करते। हम नहीं ढूंढते उन पुराने अखबारों के टुकड़ों को कि जब इसी अखबार के पहले पन्ने पर उस खबर ने अपनी जगह बनाई हो। लेकिन यकीन माने, हारा हुआ एक पति, बुढ़ापे में कमजोर पड़ती अपनी हड्डियों, हाल जिक्र को बर्दाश्त करती झुकी हुई आंखों को वो मंजर याद करते हुए उतनी ही तकलीफ होती है जितना कुछ साल पहले अपराधियों का निशाना बनी उनकी पत्नी की मौत हुई थी। ऐसे कई और मामलों को देख उन्हें आज भी उतनी ही तकलीफ और बेबसी होती है जितनी कुछ अरसा पहले हुआ करती थी। लेकिन अपराध कर राजनीति की चादर ओढ़ लेने वाले उन जालिमों को उनकी असली जगह भेज पाने में अभी तक नाकाम देहरादून के पॉश कॉलोनी में रहने वाले जाने माने वकील ओपी सकलानी का साहस अभी नहीं टूटा है। आवाज की टीम ने नोएडा से देहरादून का सफर तय कर दून बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी सकलानी से जाना, उस दिन आखिर क्या कुछ हुआ था जिसने इंसाफ दिलाने के लिए जाने जाने वाले वकील को भी इंसाफ के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया। जिसने कई लोगों को न्याय दिलाया, कई लोगों का न्याय पर, कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाया, आज वो व्यक्ति खुद न्याय के लिए भटक रहा है। और जो अपराधी हैं वो खुलेआम सड़कों पर अपराध की नई परिभाषा लिख रहे हैं। अपराधी मंत्री बन चुके हैं और जो शिकायत करता था आज वो बेबस हमारे सामने मौजूद है। ओपी सकलानी सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। जो कुछ आपने सहा बीते इतने बरसों में, जो कुछ आपने देखा, आप लोगों का कानून पर भरोसा बनाने वाले व्यक्ति जी, आज आप खुद कानून के लिए भटक रहे हैं जी। 16 अक्टूबर 2012 का वो दिन जिसे आप कभी शायद भूल भी ना पाएंगे जी, क्या कुछ था सर, जरा बताइएगा सर। 16 अक्टूबर को कैसे कैसे घटना हुई, कैसे आप आए, क्या कुछ था उस दिन पूरा दिन? देखिए, 16 अक्टूबर 2012 को नवरात्र शुरू हुए थे, पहला दिन था। हम नवरात्र, दोनों नवरात्र साल में दो आते हैं, दोनों को ही विधि विधान से पूजन करते हैं, घट की स्थापना करते हैं। तो 16 तारीख को भी सुबह पंडित जी आए थे, 7:30 बजे आए हूँ, और
स्थापना हुई, देवी की स्थापना हुई, स्थल की पूजा हुई और 10:30 बजे वो पंडित जी पाठ करके चले गए। फिर उन्हें शाम को की पूजा के लिए आना था। मैं एडवोकेट हूँ जैसे कि आप, और करीब 12:30 बजे उस दिन व्रत था मेरा, फलाहार जो भी किया कोर्ट, हालांकि इच्छा तो नहीं थी पर नियम वो था कि भाई जाना है तो मैं कोर्ट के लिए चला, क्योंकि मंगल का उस दिन मंगल का भी दिन था, तो जो हनुमान मंदिर है उसमें मैं दर्शन करने मंगल को जरूर जाता हूँ। तो बाजार से यहाँ से पैदल ही मैं निकला मंदिर के लिए, और जब कोर्ट में पहुँचा, कोर्ट में 1-1.5 घंटा जितना भी होगा रहा होंगे, 2 बजे के करीब मुझे हमारे फ़ोन, पड़ोसी हैं कोहली साहब, विश्वनाथ कोहली जी, ज्वेलरी का काम है उनका, उनका फ़ोन आया कि भाई आप जल्दी घर आ जाइए, आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है। तो और कोई साधन नहीं था, मैं चूंकि पैदल था, स्कूटर नहीं था उस दिन, तो मैं ऑटो लेके पहुंच गया, करीब 2:15 बजे पहुंचा होगा। तो यहाँ देखा तो भीड़ थी, हालांकि मुझे कुछ आशंका ये भी उठने लग गई थी घर पहुंचने से पहले कि आखिर क्या बात है, उन्होंने फ़ोन किया ये नहीं बताया क्या तबीयत खराब है, वो कहाँ है, हॉस्पिटलाइज हैं कहाँ हैं कुछ, खैर यहाँ बहुत भीड़ थी। तो मैं पहले से ही काफ़ी माइंड मेरा बड़ा सन जिसे कहते हैं बंद वो था, खैर मैं अपने कमरे पहुँचा, घर के दरवाजे अंदर घुसा तो अपने कमरे में क्या देखता हूँ, जो भी था वो बड़ा स्तब्धकारी दुखपूर्ण दृश्य था। मेरे कमरे में मेरी पत्नी नीचे फर्श पे पड़ी हुई थी, खून फैला हुआ था, उनके चेहरे पे पट्टी या एक वो बंधा हुआ था, ढका हुआ था चेहरा, हाथ पीछे बंधे हुए थे, और देखने से ही वो होता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, बड़ा स्तब्धकारी वो था, चुप। कुछ मिनटों पे रहा, बैठा रहा, फिर उसके बाद थोड़ी देर पलंग खड़े होके पलंग पे बैठा, जब वहाँ रहा नहीं गया तो मैं उसे बंद करके दरवाजा, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, मुझे बता दिया गया कि पुलिस को खबर कर दी गई है, तो मैं बाहर चला गया। बाहर बहुत लोग थे, इतने में कोतवाली से पुलिस है, कोतवाली से जो कोतवाल नेगी जी थे उस वक्त, वो बाद में इसके जांच अधिकारी भी बने, उन्होंने सबसे पहला प्रश्न मुझसे पूरा मुआयना करने के बाद ये किया कि ये बताइए कि आपसे किसकी दुश्मनी है। उन्होंने भी ये माना कि ये दुश्मनी का मामला, ये जो हत्या की गई है, पत्नी की हत्या की गई है, हाँ वहाँ खून से सना हुआ चाकू भी पड़ा था, और पत्नी के शरीर में जो उनके रोजाना के गहने होते थे सिंपल टाइप के, कि कान में बुंदे होते थे, एक चेन थी सोने की, 2 कड़े हाथ में, सब छुए नहीं गए थे। मेरी कमरा कोई अस्त व्यस्त नहीं था, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, मेरी आलमारी में हुई खुले में 1,000 के करीब रुपए रखे हुए थे, वो नहीं छेड़े गए थे। बगल के कमरे में जिसमें जाली वाला दरवाज़ा था, पर्स पड़ा हुआ था पत्नी का, जिसमें बाद में मुझे पता चला 7,500-8,000 के करीब रुपए पड़े थे, वो भी वहीं पड़ा हुआ, तो वो भी नहीं छेड़ा गया था। कोई किसी आलमारी का ताला नहीं तोड़ा गया, कोई सामान बाहर नहीं था, ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी ने कोई कमरे में कोई छानबीन की हो, तलाशी ली हो, क्या हो। मेरे तो कुछ समझ में, मतलब चेतना शून्य हो चुका था, जो मस्तिष्क था मेरा ये देख के, जिस बात की कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी ऐसा, ऐसी घटना अचानक हो जाए। इतने में बहुत लोग आ गए,
पूरे हमारे बार एसोसिएशन से एडवोकेट्स आ गए, रिलेशन में आ गए, पड़ोस के आ गए, जो पार्क रोड थी और सरस्वती सोनी मार्ग तक और नेशनल मार्ग तक ये खचाखच भर गया लोगों के, उससे पूरे उसमें पुलिस को इतनी, जब पुलिस आई तो उसको ट्रैफिक रोकना पड़ा, डाइवर्ट करना पड़ा, ये वहाँ पोजीशन ये हो गई थी। जो कुछ आपने सुना यकीन मानिए ये सब कुछ सच है, और ये 2021 का साल है जब एक बड़ा वकील ही न्याय की ओर टकटकी लगाए कई सालों से देख रहा है। ऐसे में कितना ही मुश्किल का काम होगा ये समझ लेना कि गरीब की तो घड़ी ही टूट गई होगी। टूट चुका होगा वो अंदर तक कि जहां अब कोई आवाज भी नहीं होगी। ओपी सकलानी जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय पुष्पा सकलानी की हत्या में शामिल मुख्य किरदार आज भी कानूनी प्रक्रिया के बड़े बड़े चिट्ठों में नाशुमार हैं। ये वही चिट्ठे हैं जो ओपी सकलानी जी के कमरे में हमने देखे थे। ना जाने कितने ही लोगों को इंसाफ दिलाने की कहानी इन किताबों में मशरूफ होगी, और ये किताबें आज उसी घर में मौजूद हैं जो खुद आज इंसाफ के इंतजार में बेबसी, लाचारी और नाउम्मीदी के साए में गुम है। और वही कानून आज उनके घर के अंदर शांति की चादर ओढ़े लेटा है। लेकिन इस पूरी घटना की कहानी महज 16 अक्टूबर 2012 तक ही सीमित नहीं है। इस घटना के पीछे इंतकाम के साए भी नजर आते हैं। मेरी पत्नी जो बड़े ब्रूटल तरीके से जिसका मर्डर हुआ, 8 साल से उसे न्याय नहीं मिल सका। ये तिकड़म हथकंडे ये सिपाही, इनकी वजह से उसे न्याय नहीं मिल सका। और उसके मर्डर का कारण क्या हुआ, क्यों हत्या की गई उसकी, उसकी हत्या रिवेंज किलिंग थी। जैसे कि खुद COCT और उन्होंने SSP उस वक़्त उन्होंने बताया, बाद में मुकर गए इस मामले से वो, कि चूँकि मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ गवाही दी थी। तो 16 अक्टूबर को जो कुछ हुआ सर, आपकी रुआसी आंखों के पीछे जो मुख्य साजिश करता है, जैसा कि आपने बताया था कि वो आज भी बाहर है और चेयरमैन बन चुका है वक्फ बोर्ड का, तो इसके पीछे ये जो भी इंसिडेंट जो आपने बताया, जो भी घटना हुई, इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी वो आप बताइए जी। कहानी के पीछे की जो असली कहानी है वो कहाँ से शुरू? 17 अक्टूबर 2012 की है। तत्कालीन SSP श्रीमती नीरू गर्ग का फोन आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आ सकते हैं, 10:30 रात की बात है, करीब इतना ही टाइम होगा। तो वो आई, उनके साथ TD बेला जो COCT थे वो आए, उनके साथ SS बिस्ट जो पटेल नगर थाने के कोतवाल थे वो आए, और भी पुलिस वाले थे कई, वो हमारे घर में उस वक्त कई एडवोकेट्स, रिश्तेदार तो थे ही, पड़ोस के बहुत लोग थे, वो काफ़ी लोग थे उस वक्त मौजूद थे। तब प्रथम बार SSP देहरादून और जो COCT थे और उनके साथ जो इंस्पेक्टर पटेल नगर कोतवाली के इंचार्ज थे, उनके द्वारा ये पता लगा कि ये रिवेंज किलिंग की घटना है, ये मतलब कोई लूटपाट की घटना, लूटपाट तो था ही नहीं जैसा कि जाहिर है इसमें न्यूज। और तब शमीम आलम खान का नाम सामने आया, उन्होंने तो COCT ने तो यहाँ तक कहा कि उसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है शमीम आलम की, और वो उसका अपराधी चरित्र है, और उसने ये घटना कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाकर अंजाम दिया। आपने कभी नाम लिया ही नहीं था शमीम आलम? ना ना, हमें पहली बार वो भी नहीं था कि वो इस हद तक जाएगा, ठीक वो है। तो तब ध्यान, तब बातें पता चली बताई, तब मैंने वो किया कि उसे सजा नहीं, उसको तो बेल जो थी उसकी, बेल के टाइम में उसको 3 महीने के हुई, 3 महीने बाद उसकी बेल हाईकोर्ट से हुई थी, और उसने नकली वकील बन था, वो हाई स्कूल भी पास नहीं था, आठवीं भी शायद नहीं होगा निकल, उसने उत्तर प्रदेश बाद उस वक्त उत्तर प्रदेश था,
तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो लाइसेंस देती है वकील बनाते हैं वहाँ से उसने है? कौन से सन की बात रही है? ये सन 1994 की जहाँ की बात है जब उसने लाइसेंस लिया तो ये बात बोल पूछना आपने। तो जाली हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, जाली इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट और जाली ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और जाली लॉ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसने वहाँ से अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन अपना लिया हुआ है। और उसके बाद उसने बार काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद देहरादून बार एसोसिएशन की सदस्यता लेने की का प्रयत्न किया, तब ये बात खुली। कई हमारे जो कई मुस्लिम एडवोकेट थे भाई, उन्होंने इस बात पे बहुत ऐसा, उन्हें सब बात मालूम थी उसकी, ये किस टाइप का आदमी है, बहुत कुछ तो हमें भी मालूम था, हमने इस उसमें अपोज किया। जो हमारे यहाँ सदस्यता का लेने का जो तरीका है वो एक सदस्यता रजिस्टर होता है जिस पे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी का एंडोर्समेंट होता है कि फलाने व्यक्ति ने सदस्यता के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका जो भी एतराज है या आप उसे यस करते हैं तो आप अपना वो दीजिए, अपना जो भी आपका इच्छा के अनुसार। इस मामले में शमीम आलम का नाम था, शमीम आलम ने अप्लाई किया था वकील बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, वकील वकील अपने को वकील दर्शाते हुए वकील ही बन सकता है बार एसोसिएशन का सदस्य, तो वकील दर्शाते हुए, तो उसमें उस पृष्ठ पे उसकी फ़ोटो लगी थी। और उस वक़्त हमारे जो सेक्रेटरी थे अशोक अग्रवाल एडवोकेट थे, उनका एंडोर्समेंट था कि इसने ऐसे ऐसे अप्लाई किया हुआ आप ये घूमकर सदस्य ने। कुछ सदस्यों ने जिनमें एल बी गुरंग थे, आदित्य कुमार थे और यशपाल बिष्ट थे, यशपाल बिष्ट जी का अब देहांत हो चुका है, और भी थे कुछ, उन्होंने उसके सदस्यता का अनुमोदन किया था। उन्होंने जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा आदित्य कुमार एडवोकेट ने इसका प्रस्तावित किया है इसका नाम ये शमीम आलम का नाम प्रस्तावित किया। हम लोगों ने कई वो थे, हम लोगों ने एतराज किया कि नहीं इसकी पहले आप जांच कीजिए कि ये वाकई क्वालिफाइड है कि नहीं है, इसके जो प्रमाण पत्र दिया गया सही है कि नहीं है, इस बात पे वो हुआ। बार एसोसिएशन की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी बनी ये जांच के लिए कि ये इसमें सही गलत क्या है। उसके जो मेंबर थे, एक तो कई मेंबर थे, एल बी गुरंग साहब भी उसके मेंबर थे और भी कई एस एस रावत उसके मेंबर थे, कई मेंबर थे और अग्रवाल साहब उसके चेयरमैन थे। तो उस कमेटी ने पूरी जांच के बाद संस्तुति दी, उसमें से 10 नाम छांटे गए, 10 नाम थे जिनके बारे में डाउटफुल था कि ये एडवोकेट से नहीं है, उनमें शमीम आलम का भी नाम था। वो बार एसोसिएशन देहरादून की ओर से बार काउंसिल इलाहाबाद को भेजे गए। मैंने लिखित आपत्ति बार एसोसिएशन देहरादून को दी थी, लिखित आपत्ति बार काउंसिल इलाहाबाद को दी थी और बाद में एक जांच हेतु एक रिपोर्ट पुलिस को भी दी थी उसमें। तो बार काउंसिल इलाहाबाद द्वारा पूरी जांच के बाद इस निष्कर्ष पाया गया कि शमीम आलम का एडवोकेट गलत तरीके से उसका हुआ है, उसका जो उसको बनाया गया है उसका रद्द कर दिया उन्होंने, कैंसिल कर दिया उसका वो, और उसकी कॉपी सब जगह भेजी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और वो और पुलिस को सबको भेजा। और बाद में बार एसोसिएशन को कहा कि भाई इसके खिलाफ़ आप जो भी कानूनी कार्रवाई करनी, बार एसोसिएशन ने मुझे जिम्मा सौंपा कि भाई आप इस मामले में की, तब मैंने वो एक रिपोर्ट सूचना पुलिस के लिए दी।
पुलिस ने जांच की इस मामले में पूरी, और वैसे तो पुलिस को अपनी तरफ से FIR बना के रजिस्टर करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने मेरी रिपोर्ट को FIR मानते हुए उसी पे वो कर दिया, तो शर्मी मालम का लाइसेंस उसमें कैंसिल हो गया। उसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ, शमीम आलम 3 महीने जेल में रहा, हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी बेल 3 महीने बाद हुई, और पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल की गई, वो बाद में शमीम आलम द्वारा हाई कोर्ट से ये ट्रांसफ़र करवा दिया गया देहरादून से हरिद्वार, ये केस की CJM हरिद्वार के यहाँ प्रोसीडिंग्स हुई, और मुझे बार एसोसिएशन देहरादून ने दायित्व सौंपा कि आप इसकी देखरेख करेंगे, बार की तरफ से बार को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने उनके निर्देशन वो अपनी ड्यूटी पूरी की। वो हमें इनकी अपराधी की तरफ से उनका ये प्लान था कि चुपचाप इस मामले को समाप्त कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए उन पर। उसके लिए उन्होंने 5 एडवोकेट्स जो थे उनकी गवाही करवाई, जो अपने पहले बयानों से मुकर गए थे और होस्टाइल डिक्लेयर हुए। चूँकि मैं उस मामले में कंप्लेनेंट था, मेरी रिपोर्ट पे केस दर्ज हुआ था, मुझे खबर तक नहीं दी गई, सबसे पहले मुझे बुलाया जाना चाहिए था। किसी भी केस में ये होता है, सबसे पहले जो कंप्लेन शिकायत करता होता है और जो गवाह मटेरियल गवाह होते हैं उनको बुलाया जाता है। इसमें ना SC बिरमानी एडवोकेट थे, यशपाल बिष्ट एडवोकेट थे, आदित्य कुमार एडवोकेट थे, अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट थे, और इन लोगों ने उसमें गवाही दी थी और इनकी गवाही मानी। इन्होंने कहा था शमीम आलम ने वकालत के लिए अप्लाई नहीं किया, वकील नहीं बना, तो इनको होस्टाइल डिक्लेयर किया गया और इनकी गवाही मानी नहीं। शमीम आलम का प्रयत्न यह था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि चुपचाप इन गवाहियों के बेसिस पे ये केस समाप्त कर दिया जाए और बाकी को पता भी ना लगे। बार एसोसिएशन को पता लगा, बार एसोसिएशन के कई मेंबर एग्जीक्यूटिव जो थी कार्यकारिणी बार एसोसिएशन की वहाँ गई, मैं भी था उसमें, और वहाँ जाके न्यायालय को पूरी घटना से अवगत कराया गया। तब जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर थे उनके अलावा दूसरे प्रोसिक्यूटर आए उसमें, उन्हीं प्रोसिक्यूटर ने तब ये एप्लीकेशन दी जिन्होंने होस्टाइल गवाहों की गवाही करवाई थी कि भाई इस केस में डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए थे वो हैं नहीं, वो डॉक्यूमेंट इलाहाबाद से मंगवाए जाएं, जिसमें शमीम आलम की एप्लीकेशन थी वकील बनने की, उसके ज़्यादा दाखिल किए हुए जाली कागजात, जो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे इस मामले के, वो उसमें नहीं थे। वो जो पहले मंगवा लेने चाहिए थे नहीं किए, पर बार काउंसिल जब गई, जब हल्ला मच गया, बार एसोसिएशन देहरादून जब गई हल्ला मचा, तब उन्होंने उसका वो एप्लीकेशन दी जो कोर्ट ने मंजूर हुई, मंजूर करके इलाहाबाद बार एसोसिएशन को आदेश दिया कि आप ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ भेजिए। कायदे में वो डॉक्यूमेंट्स पुलिस को शमीम आलम को कस्टडी में लेकर रिकवर कर लेने चाहिए थे पहले, वो पुलिस द्वारा नहीं किया गया, जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, और जांच अधिकारी द्वारा इलाहाबाद से जब वो वहाँ सेक्रेटरी की गवाही लेने के गवाही दर्ज करने के लिए गए, तब भी उन्होंने वो डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में नहीं लिए, और आनंद फानंद में गलत तरीके से चार्जशीट इनकम्प्लीट एक किस्म से चार्जशीट फाइल की। प्रोसिक्यूशन को जब चार्जशीट फाइल हुई, केस शुरू हुआ, तो प्रोसिक्यूशन को भी देखना चाहिए था कि इसमें क्या कमी है, जो डॉक्यूमेंट पूरे हैं जिनसे प्रोसिक्यूशन का केस में सपोर्ट मिलती है वो हैं कि नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने भी बहुत इसमें लापरवाही या जानबूझ के मिली भगत उनकी रही कि वो डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे।
उनका प्रयोजन उसको केस को समाप्त करवाने तक रहा। बाद में प्रोसिक्यूटर बदल गए, नए प्रोसिक्यूटर आए, तब दोबारा इस मामले की सुनवाई चली। पर इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उस वक्त के जो CGM थे, अब वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने कुछ पत्र तो लिखे उसको सेक्रेटरी UP बार काउंसिल को, भाई आप ये डॉक्यूमेंट भेजिए, इम्पोर्टेंट है जेल। पर कंप्लेनेंट जो कि मैं था, OP सकलानी, और प्रोसिक्यूशन के बार बार जोर देने पर भी, एप्लीकेशन देने पर भी, उनके खिलाफ कोअर्सिव मेथड यूज नहीं किया। यानी जो गवाह समन भेजने से नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती, पहले जमानती वारंट, बाद में गैर जमानती वारंट भेजा जाता है। इसी प्रकार अगर कोई कोर्ट के केस का आदेश का पालन नहीं करता, उसके खिलाफ 350 दंड CRPC के तहत कार्रवाई होती है। वो नहीं कि वारदात के कई सालों पहले से जो साजिशें शुरू हुई थी, वो वारदात के बाद भी बरकरार है। कई साल बीत जाने के बाद भी बीमार पड़ी न्याय व्यवस्था की नब्ज टटोल रहे OP सकलानी जी अब कहते हैं कि अगर कुछ समय और तक उन्हें न्याय की उम्मीद नजर नहीं आती, तो वो न्याय की आवाज जंतर मंतर से बुलंद करेंगे। चलिए सर, दुआ करेंगे आपको जल्दी से जल्द न्याय मिले। आप जो कुछ, जितने सालों से आपने जो कुछ लड़ाई लड़ी है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले। देखिए, मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, आपके जो साथ के स्टाफ हैं उनका भी बहुत धन्यवाद, बड़ी पेशेंटली मेरी बात में न्याय की बात उठाई। मैं तो कहता हूँ मुझे अगर मिले कि ना मिले, पर औरों को मिले इसके, आपके इस एफर्ट से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपकी भी या उसकी भी। और मैं तो देखिए, जब थोड़ा ये कोरोना खत्म हुआ, मैंने तो जंतर मंतर में अगर मुझे न्याय मिले धरने पे बैठना ही है। मैं तो जो भी होगा उसका नतीजा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी 82 साल की एज हो चुकी है, हार्ट का मैं पेशेंट हूँ। इतनी दफ़े मैंने न्याय के रास्ते पे चल के लगातार कोशिश की, अंतिम उपाय यही है कि भाई अनशन करके सब मुकदमा। तो इस मुलाकात के साथ ही हमने आप तक वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि जिससे साफ हो जाता है कि आज भी कानून में किस तरह के लूपहोल्स हैं, जिससे नेता, मंत्री और इस तरह के तमाम बड़े लोग जो हैं आसानी से इससे बचकर निकल जाते हैं। जहां छोटे चेहरे जो हैं वो तो सलाखों के पीछे कर दिए जाते हैं, लेकिन बड़े चेहरे कभी भी सलाखों के पीछे नहीं जा पाते। इसमें साफ नजर आता है कि कानून में कहां पर लूपहोल्स हैं और किस तरह से हमारा जो कानून है वो बीमार पड़ा है। मैं आवाज़ के तमाम दर्शकों और अपने भारतवासियों से आज एक आग्रह करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं उनसे कहूँगा कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और पुष्पा सकलानी को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ आइए। #JusticeForPushpaSaklani से आप ट्वीट करिए और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। आवाज़ की टीम लगातार इसी तरीके के आपको और भी जो जानकारियां हैं आपको देती रहेगी, और भी जो कहानियां हैं आपको सुनाती रहेगी, और भी ऐसे ही पीड़ित जिनकी दबी कुचली आवाज़ जो कहीं गुम हो गई थी, उनकी आवाज़ बनने की हमेशा कोशिश करती रहेगी। आप भी हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। और फिलहाल के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ अंधेरा है, जहाँ क्षमा नहीं है, वहाँ आवाज़ की टीम हमेशा एक क्षमा जलाने की कोशिश करती रहेगी। धन्यवाद।